Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. अदनान शमी बेटा आ गया मेरा. मेरा मन खुश हो गया क्योंकि हर आदमी की तमन्ना होती है अपने फेवरेट एक्टर को लाइव देखे. आज इसने मुझे देख लिया. सर जी ऐसा है, ये मेरी धर्मपत्नी. अब क्या सोचा है के बारे में कुछ कर ले? अरे जीवन का छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मेरे अंदर क्या देखा था जो मैं नहीं. पहले तुम बताओ, तुमने मेरे अंदर क्या देखा था? मैंने तो दो चीजें देखी थी तेरे अंदर. क्या? एक तो तेरी इनकम, दूसरे तेरे दिन कम. नहीं सच्ची बता, तूने मेरे पैसे से प्यार किया है कि मेरे को प्यार किया? मैंने तेरे से ही प्यार किया. सच्ची? हाँ. अर्चना जी आप सोच रही होंगी मैंने पैसा क्यों नहीं कहा. अब यही तो फर्क है परमीत की पत्नी और डड्डू की पत्नी में भाई. ऐसा थोड़ी होता है. मैंने ना तेरे साथ प्यार पता क्यों किया? दिल से. वैसे मुझे रिश्ता आ रहा था अर्चना का. अच्छा? हाँ. शादी हो जानी थी. अच्छा. इसने शर्त रख दी, कहती शादी के बाद भी मर्द मैं रहूंगी, ऐसा बोलती. सही है. कहाँ मर गई थी? कलमू ही कलचू ही. मैं दूध को खट्टा लगा रही थी ताकि दही जम जाए. दूध को खट्टा लगाती रहो, कभी भैंस को खट्टा लगाओ, कोई बछड़ा पैदा हो जाए घर पे. कब देगी तू पोता? कब गोची करेगी तू? तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन दादा दादी तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन दादा दादी. वो जाना चाहते हैं हनीमून पे. हाँ. तो उनकी तैयारी करते हैं, उनको भेजते हैं. चलो उनको भेजवा. ठीक है, चलो उनको छोड़ के आते हैं. सर आपने जाना नहीं. ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां. फाइनली मेरे मम्मी डैडी ने हमें हनीमून पे भेज दिया. कितना रोमांटिक मौसम है ना अरबाज. लेकिन देखो फिर भी आंखें फाड़ फाड़ के बस देख ही रहे हैं. अरे छेड़ लो, मौका मिला है अभी. क्या स्टैंड अप कर रही है? मैंने कहा था इसको स्टैंड अप मत देना साली को. और हंसा तू, हंसा. अरबाज भाई मैं तो कहता हूँ 4-5 बार हंस लो, नहीं तो और 4-6 जोक सुनाएगी ये. मौसम भी बड़ा अच्छा है, बीवी भी सुंदर है, तो क्यों ना आज थोड़ी सी दादी से बात हो जाए फोन पे. जरा एक बार हाँ रामू, जरा दादी को फोन देना. अच्छा चलो कोई नहीं, अब तो अब पहुंच गए हैं, आके कर दे सब. क्या हुआ डार्लिंग? वो ऐसे रिलैक्स एंजॉय. वो दादी थोड़ी सी गुजर गई. शर्म नहीं आती तुम्हें? दुख नहीं है क्या? मेरे को जितना दुख दादी का है ना, जाने का किसी को नहीं. मेरे को समझ नहीं आती, जब हम घर पे थे तब चली जाती, घर खाली मिलता, हम यहाँ आते ही नहीं. क्या चक्कर है दादी भी यार? मैं तुमसे बात नहीं करने वाली. हेलो. बस बस ए. ये क्या कर रही है? पानी है ये रहता नहीं जो फैलाई जा रही है. इधर आ जाओ साइड पे. ओ साहब जी, तुम ये रहती हो? हाँ होटल है हमारा इधर. होटल है? हाँ. कमरा मिल जाएगा मुझे? हाँ साहब जी. आप जल्दी जल्दी चलो और पहले SSS कर लो. हे क्या ये SSS? क्या मतलब? मतलब शीट शेव एंड शैम्पू. साहब जी अभी आए हैं ना लेने. मैं यहाँ पे एक ही काम करने आया हूँ. क्या साहब जी? FU N फन. साहब जी कई साल पहले एक आदमी आया था साहब जी. साहब जी ऐसी निशानी छोड़ गया. इस बच्चे को साहब जी बाप का नाम दोगे आप? मैं दे देंगे. क्या नाम है साहब जी आपका? मेरा नाम अदनान शमी. मुझे कोई परवाह नहीं, मेरा नाम चाहे बदनाम कर दो. अरे क्या बात है साहब जी, धन्य हो गई साहब जी. मैं साहब जी आप गाना सुना दो ना साहब जी. गाना? हाँ वो तो गाना तो कितना अच्छा गाते हैं ये. नहीं, मैं गाते मैंने छोड़, मैं जिम के चक्कर में पड़ गया, मैंने गाना छोड़ दिया. अरे नहीं साहब जी, मैंने सुना पियानो भी बड़ा फास्ट बजाता करके. ये रखा है साहब जी बजा लेते. ओहो अदनान शमी है. कौन सा गाना सुना रहे हो? ये मेरे को नहीं पता, मैं पियानो बजा रहा हूँ. पहले बीच में नहीं बोलना, थोड़ा नीचे. हाँ ऐसे कर लो, मुझे पता है क्योंकि इनका ध्यान इधर चला जाएगा. मेरा गाना रह जाना. तुम अदनान शमी हो ही नहीं सकते. क्यों? ये क्या धर 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 क्या बजा रहे हो? नहीं नहीं वो देखो, वो एक ही कलाकार गा सकते, हमसे नहीं गाया जाता तो क्या करें, इनके लिए तालियां बजाओ. ये क्या मतलब हुआ साहब जी? लेकिन जो भी है, मैं इस बच्चे को आपको नाम देना ही पड़ेगा साहब जी. मैं आपके प्यार में डूब चुकी हूँ साहब जी, मैं सच्ची कह रही हूँ साहब जी. ठहरो ठहरो एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ, मैं अगर शादी करूंगा तुमसे, तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं साहब जी, बनाना खाना आता है.
मैं 2 मिनट के लिए बाहर क्या गई, तुम यहाँ गुल छर्रे उड़ा रहे हो? ए, कौन है ये? मेरा पति है। कुछ नहीं, गुल गुल हो रहा था, छर्रे अभी उड़ाए नहीं इसने। ए, गुल गुल। बात कर रही है। कहते हैं कृष्णा सुदेश की जड़ी कोई नहीं तर सकता है, कोई नहीं तर सकता। देखा, आज खुशबू ने कृष्णा सुदेश को मार दिया। इसी बात पे मुंह मीठा किया जाए। आप सबको मुबारक मुबारक। चलो उठ जाओ। हमको मालूम था हमारी जोड़ी तोड़ने के पीछे लगी हुई है ये, इसीलिए अर्चना जी बंदूक में नकली गोलियां थी, मिठाई में जहर मिलाया था हम लोगों ने। अच्छा है मर गई, अब हम जरूर जीतेंगे। बजाओ। हेलो। नहीं सर, आप मुझे बताओ फोड़ना कहाँ पे है? नहीं नहीं, मुझे बताओगे नहीं तो मैं कहाँ फोड़ूंगा सर? आप देखो, नारियल फोड़ना 125 रुपये में लेता हूँ। नहीं नहीं, मेरा फर्ज बनता है गरीबों की रक्षा करना। मैंने कल गरीब को 1000 रुपये दिया, मैं कहा चल खाना खा ले, देखो उसने खाना खाया, बाकी पैसे मेरे को आगे लिए, देखो उसका पेट भर गया और मेरा जेली नोट चल गया। कौन है? पहली बार मिला, तमीज से बात करो, दुआ सलाम करने का। अस्सलाम वालेकुम। जय महाराष्ट्र। जय दुबई। महाराष्ट्र का नाम मत लेना तुम। क्यों? मालूम है कितना प्रॉब्लम हुआ इधर महाराष्ट्र में हमको आके? क्यों, आप लोकल ट्रेन में आए हो? अबे लोकल ट्रेन नहीं, हम प्लेन से आए। जैसे हमारा प्लेन लैंड किया रेलवे स्टेशन पे, हमारा मतलब बस अड्डे पे, तुमको तो मालूम हमारा प्लेन सही जगह लैंड तो करता है नहीं। तो जैसे लैंड किया हमारा कोई बटुआ मार लिए। देखो पठान हो के बटुआ मरवा रहे हो, शर्म करो कोई। थप्पड़ मारना था उसको। थप्पड़ मारा भाव, कितना प्रॉब्लम हमको, रात को रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ा। अच्छा। हाँ, फिर एक आदमी हमारे पास आया, कहते बाबा खाना खाएगा 20 रुपया लगेगा। अच्छा। हम बोला खाना नहीं खाएगा, हम सोएगा। अच्छा। हाँ, तो कहते 300 रुपया लगेगा। तो हमारा बाजू में लेट गए। फिर मजा ही मजा, मजा ही मजा, मजा। क्या बात है, मजा बहुत आया आपको। मुझे शक पड़ रहा है, हाइट भी अच्छी है आपकी, आपका सामान किधर है? सामान तो हाथ में ना, इधर उधर क्या देख रहा है? अरे वाह, दिखाओ जरा। क्या मुझे चेक कर रहे हो? स्कूटी गार्ड हूं। हाँ तो कर लो कर लो, क्या प्रॉब्लम, डरता थोड़ी है। ये क्या है? आम है। ये क्या, घड़ी वाला आम? क्या 12 घंटे में सड़ जाता है ना, इसलिए घड़ी लगा के हम चेक करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ओ हेलो, बात कर रहा हूँ। मेरे को बेवकूफ बना रहा हूँ? मैं चेकिंग करूंगा इधर, मुझे शक पड़ रहा थोड़ा। अरे सीधा सीधा बोलो ना, तुम हमको प्यार करते है? इधर एक बात बताओ, जब सुबह उठती हो सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले हम रात को जो पाप किया उसका प्रायश्चित करता है, शर्मिंदगी होता है हमको। अरे कैसी बात है, नहाता धोता अपना घर चले जाता है, मैं और क्या करते दुबान? एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आपके पास इतना पैसा है, देखो कितने गरीब लोग हमारे यहाँ बैठे, थोड़ा दान पुण्य कर दो, ये जिंदगी और मौत में ये एक सबसे बड़ी चीज होती है, कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर तो ये हम जिंदगी और मौत के लिए तो लाए है। सची में अगर टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो बहुत सारा गरीब लोग का जान बच जाएगा। ये मेरे को दे दो, आम कच्चा लगता है, मेरी बीवी के काम आएगा, दे दो। मजाक हुआ, मलाड़ अंधेरी निकला पोस्टर, पटा पोस्टर निकला पोस्टर, बहुत बड़ी तो। अरबी नहीं समझे? नहीं। यही प्रॉब्लम है इस शो पे, अरबी और अरबू को कोई नहीं समझ पाते। अर्चना तुम भी अरबी नहीं समझते, इतना चर्बी हो गए। मालूम है 7 साल पहले रेगिस्तान से भाग के इधर आए थे, बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छे लगे, पता ही नहीं चलता कि ये ऊंट है। आज हम इस शो पर आए इधर, बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आए हम श्रुति के लिए, तुमसे शादी करवाए। बुलाओ दुबई के हंक को, भेजो इधर, जोरदार ताली हो जाए। हाय, अब जब तक तुम इसको पप्पी नहीं करेगा मैं एक टागे नहीं बढ़ाएगा। अब इधर करोड़ों लोगों की मौत का सवाल है और एक पप्पी का सवाल है, देख लो। हिंदुस्तानी है ना तुम, कि जब शादी करना हो तो एक दूसरे का प्रॉब्लम पहले समझ लेना चाहिए, है कि नहीं?
तो पहले बता, तुम इससे शादी करेगा? नहीं करूंगा। हनीमून मनाएगा? हाँ। चलो अभी बॉम्ब 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 लगाने का टाइम हो गया अपना। हमारा बॉम्ब किधर है? बॉम्ब किधर है? इतना लेट हो गया। जल्दी से आप, और चल जल्दी से फुट। देखो मैं अपने घर पे बच्चों से बात कर लूं। अच्छा चल, तेरे को आखिरी मौका दिया, बात कर ले। चल बहुत बड़ी। हेलो बेटी फुलझड़ी, मम्मी पटाखा को फोन दो। पहचाना नहीं, बम बोल रहा हूँ तेरा। सुनो, मैं तो इधर फट रहा हूँ। बच्चों का ध्यान रखना, अपना अनार नहीं तिकोना। किधर है वो? नहीं जुआ खेलने गया, कोई बात नहीं दिवाली। सुनो अपना रॉकेट बेटा किधर है? अरे बहुत उड़ता है वो, उसको ध्यान रखो, उसका उसको बोलो पढ़ाई में ध्यान दो। मैं मर रहा हूँ जी, मैं क्या करूँ, मेरा बेटा घर को आने वाला। अरे सुनो, मैं इधर फटूं तो इसका मतलब ये नहीं तू किसी और के साथ फट जाए उधर। समझे कि नहीं? हम बाद में बात करते। चलो हो गया, अभी जल्दी से स्टार्ट करो फटने को। कैसे, मुझे घड़ी नजर नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं अंदाजे से फट जाऊंगा। अंदाजे से कभी कोई फट सकता है? क्यों अरबाज जी, अंदाजे से फटते हैं, उनको समझ थोड़ी आती, जो कि ऐसे हंसते रहते हैं। एक बार फिर बात कर लूं? बार बार क्या, घर पे फोन लगा था। फिर भी प्यार होता है, जाना वापस पता नहीं कब आना। आखिर बार बात कर। हेलो बेटी फुलझड़ी, फिर मम्मी पटाखा से बात कराओ। क्या कहा? मम्मी को किसी ने माचिस की तीली लगा दी? चलो कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा है, अलमारी में ना पैकेट पड़ा, उसमें से नई मम्मी निकाल ले। हाँ कोई बात नहीं। हेलो, इधर मैं फट जाऊंगा, देखो अगर मैं बच गया तो शाम को घर पे आ जाऊंगा, नहीं तो कल न्यूज में तो पक्का आऊंगा। ठीक है बेटे, ओके बाय। देखो मेरी फैमिली बहुत मुझे प्यार करती है, देखो कितना अच्छा लग रहा हूँ। क्यों मुझे भैया, सच्ची बोलू तुम्हारे फैमिली का देख के यार थोड़ा दिल इमोशनल हो गया हमारा। सच्ची में हम बोलते हैं कि हमारा देश से लोग इधर आए और इस देश से लोग हमारे देश में जाए, लेकिन कभी भी उधर से इधर बम ना आए और इधर से उधर कभी भी बम ना जाए, यही हमारा कोशिश। चल तुमको नहीं पोड़ते। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।